नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड की खबरों पर। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के सितारगंज टनकपुर राजमार्ग से नेपाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृति दे दी है। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्कृष्ट सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देशों से भारत के रिश्ते हमेशा साफ सुथरे रहे हैं। वन निगम को जिम्मा मिलने के बाद गौला में रजिस्ट्रेशन के लिए अब फिर लगेगी बोली। कभी गौला में पंजीकृत वाहन के मालिक रहे लोग अब फिर से वन निगम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल जिला खनन समिति ने वाहन परिवर्तन, गेट परिवर्तन व पुराने पंजीकरणों के नवीनीकरण का जिम्मा वन निगम को दिया है। आरएएम की अध्यक्षता वाली कमेटी में रेंजर, डीएलएम व गेट इंचार्ज को भी शामिल किया गया है। देहरादून में एसटीएफ के 3 लोगों को सेना के फर्जी आई कार्ड मामले में किया गिरफ्तार। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड की ओर से बुधवार देर रात छापेमारी कर 3 व्यक्तियों को आर्मी के फर्जी आई कार्ड मामले में गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इनपुट गोपनीय सूचना मिली थी कि एक्स आर्मी पर्सन के फर्जी आई कार्ड लेकर एक रैकेट चल रहा है। इस पर 100 से ज़्यादा लोग विदेश, खासकर कि अफगानिस्तान आदि जगहों पर नौकरी के लिए गए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने सैकड़ों के फर्जी कार्ड्स और सैन्य अधिकारियों की फर्जी मोहरें आदि भी बरामद की है। महंगाई और गैरसैंण के विकास को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस गैरसैंण के बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर गैरसैंण की उपेक्षा और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि पार्टी विधानसभा मंडल दल की बैठक में सरकार ने जन विरोधी फैसलों के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। बुधवार को मीडिया से बातचीत में प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सदन में सरकार की कथनी और करनी में अंतर को मुद्दा बनाएगी। वैरागी कैंप क्षेत्र में जल सुविधाएं होंगी उपलब्ध। वैरागी कैंप क्षेत्र में जल्द ही कुंभ मेला अधिष्ठान सुविधाएं उपलब्ध कराना शुरू कर देगा। बुधवार को मेलाधिकारी दीपक रावत ने वैरागी कैंप स्थित अखिल भारतीय श्री पंचनिर्मोही आड़ी अखाड़े पहुंचकर कुंभ की तैयारियों को दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने अखाड़ों की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अवैध कब्जे हटाने के निर्देश भी दिए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।